हेलो स्टूडेंट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का लेक्चर नंबर 5th लेके आई हूँ मैं। आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है ऑडियो विजुअल एड्स एंड मास मीडिया। इसके 10 एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है, द स्टूडेंट्स लर्न वेरी वेल बाय, किससे वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं? बाय डूइंग वर्क देमसेल्व्स, बी ऑप्शन है बाय लिसनिंग, सी ऑप्शन है बाय सीइंग एंड डी ऑप्शन है बाय इमेजिनिंग। तो मैंने पहले भी इसका बताया है कि बच्चे करके ज़्यादा सीखते हैं, जब वो खुद से कोई भी काम करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी एक्सपीरियंस के थ्रू जो खुद करके सीखते हैं, हमेशा उसमें ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। वो देखते हैं, उसमें सुनते इकट्ठा हैं, टच करते हैं। ज़्यादा सेंसेस जिसमें इन्वॉल्व होंगी वो हैं करके सीखना। तो जिसमें ज़्यादा सेंसेस यूज़ होंगी उसमें ज़्यादा लर्निंग होगी। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हियर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर मेंटेनिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स द टीचर शुड, अगर बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखना है तो टीचर को क्या करना होगा? यूज़ ब्लैक बोर्ड, हमें पता है टीचर ज़्यादा देर ब्लैक बोर्ड पर लिखे तब भी बोर हो जाते हैं बच्चे। आस्क क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस ही पूछते रहेंगे तो इंटरेस्ट थोड़े टाइम के लिए तो शुरू में बनेगा, लेकिन क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे तब बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट उनका बना रहे। सी है डिस्कस विद देम, टेल देम स्टोरीज़, ज़्यादा स्टोरीज सुनाने से भी बच्चे बोर हो जाएंगे, तो इससे बेटर है सी इज़ द राइट आंसर, डिस्कस विद देम। देखो, जब डिस्कस करेंगे तो बच्चों को हम पूछेंगे भी, बच्चों से रिप्लाई भी मिलेगा, बच्चों के ओपिनियंस भी लेंगे और बच्चों को कुछ समझाएंगे भी। तो दोनों तरफ से, टीचर से बच्चे की तरफ, लर्नर की तरफ और लर्नर से टीचर की तरफ, दोनों तरफ से जो है इंफॉर्मेशन पास भी होगी और इनपुट आउटपुट दोनों तरफ से होगा। तो इसीलिए डिस्कस विद देम इज़ द राइट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन थर्ड है हमारे पास, व्हेन राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड द टीचर शुड कीप इन माइंड दैट हिज राइटिंग शुड बी, उसकी राइटिंग क्या होनी चाहिए? ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर होनी चाहिए टीचर की राइटिंग। सी बी ऑप्शन है हमारे पास, क्लियर एंड लेजिबल, कि पढ़ने लायक होनी चाहिए और क्लियर, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। सी ऑप्शन है इन बिग लेटर्स, बड़े बड़े लेटर्स में होनी चाहिए या स्मॉल लेटर्स में होनी चाहिए। तो सबको पता है कि ना तो वो सुंदर की ज़रूरत है, ना बड़े लेटर्स की, ना स्मॉल लेटर्स की। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, कि वो क्लियर होनी चाहिए और पढ़ी जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 4th एमसीक्यू है हमारे पास, Why different methods are used in teaching, कि अलग अलग methods teaching के लिए क्यों ही use किए जाते हैं। A option है so that, कि क्यों अलग अलग methods जो हैं use किए जाते हैं teaching में। C, A option है so that teaching may be easy, कि teaching easy रहे। B option है teaching become interesting, जो टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग बन जाए। सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स पे मोर अटेंशन, बच्चे ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं अगर हम अलग अलग मेथड यूज़ करें, कभी डिस्कशन करें, कभी लेक्चर दें, कभी करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाएं, कभी उनसे लर्निंग बाय डूइंग हो। तो इस तरह से अलग अलग मेथड से अगर हम करवाएंगे बच्चों को तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो ये तीनों ही कारण हैं, इसीलिए डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है ऑडियो रेफर्स टू, देखो ऑडियो विजुअल एड्स, यही हमारा टॉपिक चल रहा है। तो ऑडियो का मतलब जो सुनने लायक जो भी एड्स होती हैं जिनका हम यूज़ टीचर यूज़ करता है, वीडियो का मतलब देखने योग्य। तो ऑडियो रेफर्स टू सीइंग विद आइज, आँखों से देखने को ऑडियो बोलते हैं? नहीं। स्मेल विद नोज, नोज से स्मेल करना ऑडियो होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद हियरिंग विद एयर्स, एयर्स के थ्रू हेयर करना, एयर्स के थ्रू हेयर करना ऑडियो को रेफर करता है? यस, बिल्कुल। नन ऑफ अबव तो गलत है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर इन दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट 6th है विजुअल रेफर्स टू, तो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शंस आप रीड कर लेना। टेस्टिंग, टेस्ट करना विद द टंग से, हियरिंग विद द ईयर्स, नहीं। सीइंग विद आइज, स्मेलिंग विद नोज, तो सीइंग विद आइज, आँखों से देखना, उसको हम विजुअल, विजुअल मतलब देखने से संबंधित, तो देखना मतलब आँखों से देखना, सी ऑप्शन
क्या था इसमें, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट सेवन्थ है, विजुअल एड्स इज़ लेस एडवांटेजेस फॉर द स्टूडेंट्स, कि जो विजुअल एड्स हैं, देखने वाली जो एड्स हैं जिनमें देखकर जैसे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, टीचर दिखा के उससे क्वेश्चंस वगैरह पूछती है या नॉलेज देती है, उनको समझाती है, तो इस तरह जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, ये भी विजुअल एड है जिसको देख के बच्चे सीखते हैं, तो किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए वो एडवांटेजेस है, मतलब लेस एडवांटेजेस है, सॉरी लेस एडवांटेजेस मतलब किन स्टूडेंट्स को उसका कम फ़ायदा है. ये नहीं बोलेंगे कि फ़ायदा ही नहीं है, हम बोलेंगे कम फ़ायदा है. किनका, हु आर एवरेज, जो बच्चे एवरेज हैं, ऐसा तो नहीं है एवरेज बच्चों को भी तो बराबर फ़ायदा होता है. हु आर ऑफ हाई इंटेलिजेंस, नहीं ऐसा भी नहीं है कि हाई इंटेलिजेंस वाले बच्चे ब्लैक बोर्ड वगैरह या विजुअल एड से ना सीखें या कम सीखें. हु आर ऑफ बिलो इंटेलिजेंस या हु ग्रास्प मोर थ्रू आइज, कि जो बच्चे आँखों से ज़्यादा देख के सीखते हैं, ग्रास्प करते हैं, वो बच्चे लेस एडवांटेजेस थोड़ी होंगे. तो इसीलिए जो एवरेज हैं वो नहीं, जो हाई इंटेलिजेंस वाले हैं वो भी नहीं, जो ग्रास्प करते हैं आइज़ के थ्रू वो भी नहीं, जो इंटेलिजेंस से बिलो हैं उनको ज़्यादा तरह की सेंसेस का इन्वॉल्व करके ही पढ़ाना पड़ेगा, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा. ऑडियो का अकेला विजुअल से काम नहीं चलेगा, ऑडियो विजुअल डूइंग से खुद करके सिखाना, इन सब का यूज़ करके ही सिखाना पड़ेगा. तो लेस बिलो इंटेलिजेंस इज़ द राइट आंसर, तो सी ऑप्शन इज़ राइट आंसर ओवर हियर. नेक्स्ट आठवां MCQ है, विच एड इज़ मोर एडवांटेजेस, कि सबसे ज़्यादा अच्छी एड कौन सी है, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, सिनेमा या फिर फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर. तो चारों ही, देखो टीवी में हियरिंग भी आएगी और स्पीकिंग भी आएगी, सॉरी विजुअल भी आएगा, है ना, ऑडियो भी है मतलब हियरिंग भी होगी, ऑडियो विजुअल दोनों हैं. प्रोजेक्टर में सिर्फ विजुअल है, सिनेमा ऑडियो विजुअल है, लेकिन सिनेमा से हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ना. फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, किस फिल्म के थ्रू, तो सिनेमा का तो यूज़ हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, तो सबसे बेस्ट है टेलीविज़न. कि इन अगर इनका यूज़ करके हम आपस में कंपैरिजन करें तो जिसमें ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी उसमें ज़्यादा नॉलेज के चांसेस हैं. तो अगर प्रोजेक्टर जो है उसमें सिर्फ हम फोटोज़ प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसमें अकेला टेलीविज़न जो है वही है, टीवी का यूज़ करके हम बच्चों को एजुकेशनल चैनल्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं, जो कि इनके कंपैरेटिवली मोर एफिशिएंट है नॉलेज देने के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास द रेडियो इज़, रेडियो कैसा, रेडियो आपको पता ही होगा जिसमें अलग अलग चैनल्स आते हैं और सिर्फ सुनने के काम आता है, इसमें फ़ोटो तो आ नहीं सकती, तो इसीलिए ये क्या हुआ, एक ऑडियो एड है, ए इज़ द राइट आंसर. बाकी सब सी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ऑडियो के साथ विजुअल लिखा है, तो विजुअल थोड़ी ना होता है वो, तो इसीलिए ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर. नेक्स्ट देखते, बिल्कुल ईजी हैं ऑडियो विजुअल एड के. तो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो विजुअल एड. यहाँ पे ना नॉट वर्ड नहीं भूलना क्योंकि नॉट के कारण कई बार आंसर गलत हो जाते हैं, हम नॉट पढ़ते नहीं हैं, सीधे आंसर ऑप्शन पढ़ के टिक लगाना शुरू कर देते हैं. ध्यान से जहाँ नॉट लिखा हो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चौकन्ने रहना है, उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो विजुअल एड, जो कि ऑडियो विजुअल एड नहीं है. तो टेलीविज़न भी ऑडियो विजुअल है क्योंकि दोनों होते हैं इसमें. तो टेलीविज़न में भी दोनों होते हैं. बी ऑप्शन मोशन पिक्चर, सी ऑप्शन है एजुकेशनल फिल्म्स, पिक्चर ऑफ माउंटेन. तो पिक्चर ऑफ माउंटेन यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट आंसर. पिक्चर किसी की, अकेली माउंटेन की, पहाड़ों की पिक्चर जो है वो ऑडियो थोड़ी है, साथ में अकेला विजुअल ज़रूर है लेकिन
ऑडियो नहीं है, ठीक है। मोशन पिक्चर्स आर ऑल्सो ऑडियो विजुअल, क्योंकि मोशन हो रहा है तो उसमें मूव भी करेंगी, वीडियो भी चलेगी और ऑडियो भी, तो इसीलिए पिक्चर ऑफ माउंटेन जो डी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि वही एक ऑडियो विजुअल एड नहीं है। इसके बाद यहीं पे हमारी आज की सीरीज़ का जो फिफ्थ लेक्चर है ख़त्म होता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।